ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन थार डेजर्ट हैव बीन फेसिंग थ्रेट टू देयर सर्वाइवल बिकॉज ऑफ द इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लेइंग ऑफ पावर लाइंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन तो ये है सारे स्टेटमेंट्स कमेंट सेक्शन में आंसर ठीक है फिर एंड में वी विल डिस्कस द आंसर क्या आंसर होगा आज के जो टॉपिक्स हैं जो निकल कर आए एडिटोरियल में आज कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो uh, उसके अलावा टॉपिक्स uh, जो आई हैव एक्सट्रैक्टेड ठीक है जो टॉपिक्स आई हैव एक्सट्रैक्टेड बहुत ही छोटा सा अगर आप इकोनॉमी का पेज देखोगे उसमें एक न्यूज है ए आई आई बी के ऊपर तो दिस कैन बी इंक्लूडेड अंडर इंटरनेशनल रिलेशन ऑल्सो और इकोनॉमी के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं देन देर इज दिस टॉपिक कॉल्ड एज डर्टी बॉम्ब डर्टी बॉम्बस अब वी हैव टू अंडरस्टैंड अगर ये देखोगे टर्म बहुत ज्यादा न्यूज में है एंड वट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डर्टी बॉम्बस एंड अटोमिक बॉम्ब ये थोड़ा सा पता होना चाहिए इसको हम साइंस एंड टेक्नो इंक्लूड कर सकते हैं बेसिक डिफरेंस व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डर्टी बॉम्स एंड एटॉमिक बॉम्ब्स फिर है जीईसी और जीएम क्रॉप इसको हम वी कैन इंक्लूड एनवायरमेंट प्लस बायोटेक्नोलॉजी इसको इंक्लूड कर सकते हैं इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट uh, की बात करें तो यहां पे जो है वी कैन इंक्लूडेड अंडर इकोनॉमी वी कैन इंक्लूडेड अंडर इकोनॉमी प्रस का है ठीक है मेंस का क्वेश्चन जो होता है वो आपको आई विल शेयर इन यू आई एस चैनल ठीक है यू आई एस जो चैनल है वहाँ पे यू विल गेट द मेंस क्वेश्चन ठीक है मेंस का क्वेश्चन दैट आई विल शेयर तो वो आप देख लेना आंसर राइटिंग भी है अभी छः सेशन आई हैव टेकन थोड़ा सा को और आई विल ट्राई टू इंक्रीज के साथ आई विल ट्राई एनी हाउ की सेवन सेशन आपका आए ठीक है यू आई एस एट फोर्टी फाइव पी एम को होगा जो सेशन आपका आएगा एट फोर्टी फाइव पी एम तो इट विल बी अपलोडेड एंड यू विल कम टू नो तो यू आई एस चैनल के अंदर वो आपको मिल जाएगा और बाकी सो सो जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं और काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जैसे मैंने आपको कहा कि अब जो पेपर को थोड़ा सा डेप्थ में देखोगे तो वो है अब जैसे कई सारी न्यूज़ आती हैं कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन नए बने अब देखो वो चीज़ आप लोग भी देख सकते हो उस टाइप की हेडलाइन इफ़ आई स्टार्ट टीचिंग यू आपका एक तो नोट्स बहुत बल्कि होंगे और वो इतना काम के नहीं कोई नहीं आपसे पूछेगा कि नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हाँ कोई पॉलिसी लेवल पे चेंजेस किए जाते हैं चैलेंजेस पे प्रश्न एडिटोरियल पे कोई आर्टिकल आता है तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है तो ये जो बहुत ही बेसिक और मोस्ट ऑब्वियस चीज़ें हैं हेडलाइंस तो वो जहाँ पे पेपर में प्रश्न ना बने दैट वी हैव टू इग्नोर द रीज़न आई टोल्ड यू कि जब आप नोट्स प्रिपेयर करोगे तो उसमें अगर आप छोटी छोटी ऐसी हेडलाइंस पर लिख के रखोगे तो बहुत बल्कि हो जाएगा ऑलरेडी इतने सारे टॉपिक्स जो हम लोग डिस्कस करते हैं यू पी के अंदर तो वही आपके लिए काफ़ी आसान नहीं होगा कि आप उसको लिखें भी और रिवाइज भी करें अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे नोट्स सब्जेक्ट वाइज जो है वो नहीं आ, बनाएंगे सो वो फिर आपके लिए एक चैलेंज जो है वो एराइज हो सकता है तो ये ध्यान में रखना है सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी माय नेम इज सौरभ पांडे अक्टूबर का कोर्स ख़त्म होने वाला है करंट अफेयर्स का नवंबर का शुरू होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग है फर्स्ट सेकेंड नवंबर से स्टार्ट होगा ठीक है और इसको प्लीज आप लोग अगर तेईस चौबीस की तैयारी कर रहे हो तो इसको आप लोग मिस नहीं करना है तेईस और चौबीस के आई एम नॉट आस्किंग फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव इसको बिल, बिल्कुल भी मिस मत करो एक्स्ट्रा चीज़ें क्या रहती है जैसे ये हिंदू का सेशन वहां भी डिस्कस होता है बट माइंड मैप के माध्यम से आई एक्सप्लेन यू एंड आई प्रोवाइड यू माइंड मैप्स ऑल्सो माइंड मैप्स ऐसे भी आई प्रोवाइड यू सौरभ पंडायन अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर तो यहाँ पे माइंड मैप्स आपको रहेंगे एमसीक्यूज अलग अलग रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से वो भी प्रैक्टिस फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है ठीक है और क्लास में ही लिखा के नोट्स आई आस्क यू टू प्रिपेयर इट ठीक क्लास में आपके नोट्स बन जाते हैं तो बहुत इन्जॉय आप करोगे और साथ में वीक में पाँच क्लासेस हैं तो ये है तो आ, वहाँ पर एक अलग रहता है आप डायरेक्ट लाइव क्लास में क्वेश्चन पूछ सकते हो ये सारा तो कैसे ज्वाइन करोगे अनएकेडमी डॉट कॉम में जाओ फिर आपका यू पी एस सी सी एस सी सेलेक्ट करो ठीक है और फिर उसको आप कोड पूछेगा कोड डाल दो एस पी एल आई वी ई ऐसा कोड डाल के ज्वाइन कर लो ज्वाइन कर लो जब आप ज्वाइन करोगे तो जैसे एक तो आपका अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा इस कोट डालते ही आप मेरे जितने भी कोर्सेज साल डेढ़ साल दो साल आएंगे वो आप कर लोगे इसके अलावा जैसे टॉप एजुकेटर्स के कोर्सेज आएंगे पॉलिटी हिस्ट्री जोग्रफी इकोनॉमी और जितने भी कोर्सेज आएंगे उन सबको आप एक्सेस कर लो ये चीज़ ध्यान में रखना ठीक है थीके? तो ये जरूरी है कि क्वालिटी कंटेंट आप लोग को फॉलो करना चाहिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पहला टॉपिक देखते हैं ए आई बी मस्ट स्केल अप क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अब देखो हमें जो बेसिक चीज जाना है दिस इज रिलेटेड विथ जो एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक आ, एशियन आ, जो आपका इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है इसके बारे में आ, पता होना चाहिए बेसिक चीज है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंडिया ने कहा है आ, जो ए को कि क्लीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करो क्लीन एनर्जी यहाँ पे आ जाती है इट इज़ रिलेटेड विथ रिन्यूएबल एनर्जी एंड ऑफ तो क्लीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी और इस सबसे रिलेटेड आप कह सकते हैं तो उस पर खर्चा करने की बात की कि आप जो इन्वेस्टमेंट है उसको यू हैव टू इंक्रीज इट इन एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर का इलाका है इंफ्रास्ट्रक्चर का एरिया है क्लिन एनर्जी का जो एरिया है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने की बात की गई है तो ये इंडिया ने हाईलाइट किया अब इसमें देखो कुछ फैक्ट्स ए के बारे में पता होना चाहिए मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है मल्टी जहाँ भी शब्द इस्तेमाल है उसका मतलब क्या होता है कि अलग अलग देश इसका हिस्सा है इसका एम देखो ये वर्डिंग्स याद रखना जनरली मान लो एआईआईबी के ऊपर प्रश्न आ जाता है दस नंबर पांच नंबर जो भी जिस तरीके का मान लो एक क्वेश्चन का हिस्सा इसको बना दे देशन पूछ ले तो ये ऑब्जेक्टिव पूछ ले तो यहाँ पे बस ये जो चार पांच पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे आपको आइडिया होना चाहिए तो एक ये शब्द याद रखो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक मल्टीलेटरल लेटरल शब्द का मतलब हो गया कि अलग अलग देश जो है इसका हिस्सा है मल्टीलेटरल जो है डेवलपमेंट बैंक फिर उसके बाद इसके 103 मेंबर तीन में चेक करना हो सकता है थोड़ा भी ऐड हो गए हो एक सौ तीन मेम्बर हैं और सोलह प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स हैं तो उनमें से कुछ लोग हो सकता है ऐड हो गए हों और यहाँ पे फोर्स में एग्रीमेंट कब आया ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर टू थाउजेंड फिफ्टीन में जब दस मेम्बर जो है उन्होंने अपना रेटिफिकेशन दिया उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो इट हैज एड्रेस द लॉन्च ऑफ एज़ हैविंग अ पोटेंशियल फॉर स्केलिंग अप फाइनेंशियल फाइनेंशियल फॉर सस्टेनेबल फाइनेंशियल फॉर डेवलपमेंट सस्टेनेबल फाइनेंशियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो ये कहा गया कि जो डेवलपमेंट है ठीक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें हैं तो उसको फाइनेंस करने के लिए उसकी आर्थिक जो मदद या आर्थिक आ, लेवल पे सपोर्ट करने के लिए या प्रोवाइड करने के लिए तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है यूनाइटेड नेशन तो आपसे जैसे पूछेगा कि अबाउट द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक तो पहला इसे मल्टी लेटर डेवलपमेंट बैंक इकोनॉमिक सोशल आउटकम एशिया में कैसे आर्थिक और सामाजिक आउटकम जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब में निर्भर करता है तो वहाँ पे आ, उनको सपोर्ट करना फिर इसने ये भी कहा कि फाइनेंसिंग जो है सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस को कैसे आर्थिक गवर्नेंस को हम ग्लोबली ग्लोबल global जो इकोनॉमिक गवर्नेंस है उसको हम कैसे इम्प्रूव करें उस पर फोकस करना है कैपिटल स्टार्टिंग जो पैसा था वो डॉलर यूएस डॉलर हंड्रेड बिलियन था उसके बाद टू थर्ड ऑफ द कैपिटल ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक से अगर कंपेयर करें और वर्ल्ड बैंक से कंपेयर करें तो उसका हाफ है उसके बाद ये प्रपोज किया गया था चाइना के द्वारा 2013 के अंदर फिर ये एक सेरेमनी में 2014 में लॉन्च किया गया इसे क्रेडिट रेटिंग भी अच्छी खासे आपके मिली है और कहा जाता है कि ये जो बैंक है इट्स कैन बी राइवल टू द आई एम एफ ऑल्सो एंड द वर्ल्ड बैंक ऑल्सो वर्ल्ड बैंक और आई एम एफ का भी एक ये राइवल के रूप में uh, देखा जा सकता है फिर यहाँ पे इन्होंने फोकस किया है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टुमारो डेवलपमेंट का अगर आपसे पूछे आई फोर एट आई फोर एट सॉरी ये इनिशिएटिव न्यूज में है ये किससे रिलेटेड है सो दिस इज एन इनिशिएटिव बाय एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की ये इनिशिएटिव है और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टुमारो में जब भी इस पर बात आती है तो इट इज रिलेटेड विद द वी कैन से ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जाए क्लीन एनर्जी जैसा जो चीज़ है वो हम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं इनोवेशन कैसे लाया जाए कनेक्टिविटी कैसे लाया जाए कैसे इन एरियाज में इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए फाइनेंसिंग कैसे इंक्रीज आ, किया आ, आपका जाए तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब एरियाज में सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए कैसे प्रयास किया जाए तो इस पर ये जो बैंक है वो काम करता है तो अगर पूछता है तो जनरली इतने लाइन्स अगर आपके पास हैं तो यू कैन राइट डाउन नेक्स्ट देखते हैं ये टॉपिक है डर्टी बॉम्ब है ना तो यहाँ देखो ये इंटरनेशनल रिलेशन के पेज में अगर आप देखोगे ना तो ये छोटा सा न्यूज़ आया दैट इज डर्टी बॉम्ब तो डर्टी बॉम्ब क्या है ट वी शुड नो एंड वी शुडो नो ये टॉपिक साइंस एंड टेक का बनता है कि वट इज दिटवीन डर्टी बॉम्ब एक तो डर्टी बॉम्ब है ठीक है और दूसरा बॉम्ब डर्टी बॉम्ब और एटामिक बॉम्ब के अंदर दोनों में अंतर क्या है वॉट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डर्टी बॉम्ब और एटोमिक बॉम्ब दोनों के बीच में अंतर क्या है डर्टी बॉम्ब और एटामिक बॉम्ब के बीच में अंतर क्या है सो वेन यू टॉक अबाउट द डर्टी बॉम्ब ये जो डर्टी बॉम्ब है इसमें क्या है यू हैव लाइक मिक्सचर होता है डायनामाइट होता है और रेडियो एक्टिव पाउडर और पैलेट्स होते हैं जिसे अगर आप एटॉमिक बॉम्ब देखोगे एटॉमिक बॉम्ब जिसे न्यूक्लियर बॉम्ब देखोगे इट इज़ नॉट अ न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब गिरा था वो एटॉमिक बॉम्ब था तो जो एटॉमिक बॉम्ब होगा एक बार एक्सप्लोड होगा ठीक है एक्सप्लोड होने के बाद इट विल हैव ह्यूज एनर्जी रिलीज रेडियो uh, एक्टिव जो है वी कैन से जो रेडियो एक्टिव है वो रिलीज होगा आसपास के लोग जो है उससे बहुत ज़्यादा डैमेज भी कॉज होगा रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है जैसे कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब होता है तो उसमें जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है वो बहुत समय तक वहाँ प्रेजेंस रहेगा तो लाइफ वो उस समय ही नहीं फ्यूचर के सौ साल तक वो अफेक्ट कर सकता है वहाँ पर जो फ्लोरा फोना सब कुछ अफेक्ट हो जाएगा सारी चीज़ें हैं वो रेडियो एक्टिव चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंस बहुत समय तक रहेंगी तो ये तो एटॉमिक बॉम्ब हो गया जो डर्टी बॉम्ब होता है डर्टी बॉम्ब की प्योर फॉर्म का एटॉमिक बॉम्ब नहीं है तो अभी जो यूक्रेन वॉर है देर इज लाइक इट इज सेड कि डर्टी बॉम्ब कैन बी यूज अब अगर अभी डर्टी बॉम्ब यूज़ कर रहे हैं दे कैन देयर कैन ऑल्सो भी अभी मतलब एटॉमिक बॉम्ब्स के जस्ट लोअर लेवल पे है क्योंकि ये भी इसमें भी जो आपका रेडियो एक्टिव पाउडर प्रेजेंट है इट मीन्स वॉट कि अगर रेडियो एक्टिव पाउडर प्रेजेंट है इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो रहेगी एनिमल्स प्लांट्स वहाँ के जो लैंड है आसपास जो भी कॉन्टैक्ट बॉम्ब के आएगा सो तो वहाँ उस पर रेडियो एक्टिव रेडिएशन की वजह से काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आपका पड़ेगा आसपास की सराउंडिंग बहुत अफेक्ट होगी बट अगर आप इसको कंपेयर करो विद द एटॉमिक बॉम्ब तो एटॉमिक बॉम्ब बहुत हाई स्केल में है एटॉमिक बॉम्ब जो है ये बहुत हाइयर स्केल में है वी यू टॉक अबाउट द एटॉमिक बॉम्ब सो एटॉमिक बॉम्ब जो है जैसे हिरोशिमा नागासाकी के अंदर आ, हुआ था और यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ द एटम्स स्प्लिटिंग मतलब जो एटम्स हैं उनका स्प्लिट होना जैसे जनरली हाइड्रोजन एटम्स हैं अगर ये कंबाइन होता है है ना दीज हाइड्रोजन एटम्स कैन बी कम्बाइंड एंड देर इज ऑल्सो अ बिगर एटम जिस जो कि ब्रेक डाउन होगा तो एटॉमिक बॉम्ब जो है विन टॉक अबाउट द एटॉमिक बॉम्ब देर इज अ स्प्लिटिंग ऑफ द एटम ऐटम्स जो है उनका स्प्लिट होना जो आप कह सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के अंदर ये दो तरीके के होते हैं ना जैसे एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन एंड द अदर इज न्यूक्लियर फीजन न्यूक्लियर फ्यूजन और फीजन फ्यूजन में दो चीज कंबाइन करेंगी और फीजन के अंदर जो है वो ब्रेक कोई भी एटम है वो ब्रेक डाउन होता है एटॉमिक बॉम्ब जो ब्रेकडाउन वाले पर बेस्ड है ठीक है ये आपको ध्यान में रखना जैसे सूरज में जो रोशनी होती है सन के अंदर दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन फ्यूजन और जो ये बॉम्ब है दैट इज बेस्ड ऑन फ्यूजन ठीक है मतलब स्प्लिटिंग ऑफ एटम्स पर ये निर्भर करती है और जब ये स्प्लिटिंग uh, होती है एटम्स की तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिड्यूस अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती ह्यूज और अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होते है सो वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन बिटवीन द डर्टी बॉम्ब एंड द एटॉमिक बॉम्ब तो ये कंप्लीटली डिफरेंट है ये लाइन आपको याद रखना है इसमें डायनामाइट और एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया जाता है और जो एटॉमिक ब्लास्ट है वो तो टोटली totally डिफरेंट है मेन डेंजर क्या है डर्टी बॉम्ब का मेन डेंजर आपका ये है कि एक्सप्लोजन की वजह से सीरियस इंजरी डैमेज कॉज कर सकता है आसपास की जितनी भी सराउंडिंग है वहां पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट रहेगा और बिकॉज ऑफ द रेडिएशन जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहेगा वहाँ के प्लांट्स एनिमल्स लैंड सर्फेस वाटर बॉडीज एवरीथिंग विल बी इम्पेक्टेड क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इस पर प्रजेंट है तो रेडियो एक्टिव जो डस्ट है स्मोक है वो और दूर तक फैल सकती है और बहुत सारे जो लोग हैं उससे जो है वो आपके फेक्ट uh, हो सकता है नेक्स्ट देखते हैं बैट्स इवेक्टेड फ्रॉम मणिपुर केव्स फॉर टूरिज्म स्टडी के अकॉर्डिंग दिस हैज बीन सेट जस्ट कमेंट सेक्शन में लेट मी नो वॉइस क्लियर है सभी को वॉइस और वो सारी चीजें क्लियर है तो आई होप <coughs> इसका जो पी है वो मैं आपसे शेयर करूंगा एस पी लाइव करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल पर ठीक है एस पी लाइव करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल पर माइंड मैप सौरभ पांड्यान अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर इसका जो मेंस का क्वेश्चन है यू चैनल के अंदर जो यूट्यूब चैनल है उसमें उस पर ही टेक जैसे कल मैंने आपको बताया था कि एक किताब है पतली सी आ, उससे 50 नंबर के प्रश्न आए थे अब वो थोड़ा सा टाइटलिंग वैसी करनी पड़ती है लेकिन 50 मार्क्स का क्वेश्चन आया था मेंस के अंदर जी पेपर थ्री में फिफ्टी मार्क्स का पतली सी दो पेज की किताब है फिफ्टी मार्क्स का अब उसको लोग मिस कर देते हैं पढ़ते ही नहीं हैं मतलब हम जनरली हिस्ट्री जोग्राफी और इकोनॉमी और यही सब पढ़ते रहते हैं पतली सी किताब जी पेपर थ्री में वो पार्ट फिफ्टी मार्क्स का क्वेश्चन है चार क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताया कौन कौन से वो क्वेश्चन है कौन से चैप्टर में वो, वो से वो प्रश्न पूछा ऐसी चीज़ें मिस मत नहीं करना चाहिए पतली सी किताब 200 पेज का पढ़ने में कितना टाइम लगेगा दो तीन दिन चार दिन लगेगा उसको अच्छे से और पढ़ डालो तो उससे हो जाता है मतलब फिर वो इन एरियाज़ में बिल्कुल हमें पता नहीं होता और फिर हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते इट्स बेटर जो लाइनें लिखी हुई हैं वहाँ से कुछ भी चीज़ मिस ना हो आप फॉलो करो उसको अच्छे से जो चीजें सिलेबस में लिखी हुई है उनसे रिलेटेड टॉपिक्स कवर हो तो वो जीएस पेपर थ्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो थोड़ा सा ये आपको ध्यान में रखनी है लेट्स मूव टू दिस टॉपिक एविक्टेड फ्रॉम मणिपुर केव्स फॉर टूरिज्म स्टडी अच्छा एक पॉइंट और भी आप लोग की बहुत सारी क्वेरीज हो रही हैं तो एक सेशन आज छह बजे आई विल बी अरेंजिंग जूम सेशन है उसका लिंक मैं आपसे ग्रुप में डाल दूंगा एसपी लाइव करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल पे सौरभ पांड्यान अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर उस पर लिंक आई विल प्रोवाइड यू उस पर आप रजिस्टर कर लेना रजिस्टर करने के बाद आपके पास वो जूम लिंक आ जाएगा और हम लोग लाइव इंटरेक्शन करेंगे अब ज़्यादा तो पचास सौ जो भी स्टूडेंट्स जुड़ते हैं तो वहाँ पे आप ज्वाइन करोगे तो उस पर एक आपको सरप्राइज भी है लेकिन पॉइंट ये है कि आप लाइक वी कैन डिस्कस बहुत सारे मैसेजेस आते हैं सर ये कैसे करें वो कैसे करें तो पहले भी एक सेशन आई हैव कंडक्टेड ठीक है यहाँ पे एम ऑफ दिस सेशन ऑल्सो इज की लेट्स रीच टू लाइक लेट्स डिस्कस सर्टन ईशूज़ क्योंकि अभी आपका तेईस का जो समय है, है अभी समय आपके पास तो प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट है और भी स, कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क इट ठीक है तो वो एक फॉर्म आएगा उस फॉर्म को आप फिल कर देना फ़िल करने के बाद आपके पास एक लिंक आ जाएगा उस लिंक पर जो जूम सेशन होता है तो उस पर वी कैन इंटरेक्ट ठीक है तो उसको मिस नहीं करना आज शाम को छः बजे जो है आज आई थिंक ट्वेंटी सेवन तो शाम को जो छः बजे वी विल इंटरेक्ट ऑन डिफरेंट आस्पेक्ट एंड डिफरेंट इशूज़ तो ध्यान में रखना लिंक मैं आपसे उसको शेयर कर दूंगा तो बैट्स एडिक्टेड फ्रॉम मणिपुर केव्स फॉर टूरिज्म से स्टडी अब यहाँ पे देखो जो बैट्स की कॉलोनी ऑफ बैट्स जो है फ्रॉम मणिपुर केव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे देखा गया कि जैसे आ, कुछ आपके केव्स जो होते हैं केव्स आपके मणिपुर के अंदर है और लाइम के केव्स के बने हुए हैं ठीक है लाइम मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के केव्स हैं और कास्ट एक टर्म यूज होता है ज्योग्राफी में दैट इज कास्ट टोपोग्राफी जो आपकी लाइम की बनी होती है ये आपको याद रखना है तो यहाँ पे क्या है कि ये जो ये बड़े बड़े केव्स हैं अब इन केव्स में टूरिस्ट जाए तो यहाँ पे बैट्स प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ द बैट्स वो लोग एंटर नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या है फिर इनको हटाया जा रहा है ये चीज जो है स्टेप्स लिए जा रहे हैं जस्ट टू प्रमोट टूरिज्म इन दैट एरिया तो ये जो केव्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट केव्स हैं क्योंकि वर्ल्ड वॉर uh, का जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था तब जापानीज इन्विजन हुआ था या जापान जब आए थे तो वेन दे मूव टू मणिपुर तो यहाँ पे लोग लो, लोगों ने यहाँ पे uh, उन्होंने शरण लिया था आप कह सकते हैं कि इस ये केव्स का ऐसा थोड़ा हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस भी रहता है अब यहाँ पे जो सबसे एक मेजर बैट्स हैं उनका नाम है ब्लिट्स हॉर्सू बैट्स तो ब्लिट्स हॉर्सू बैट की अगर हम बात करें ये क्या है इस राइनो uh, राइनो लोपिडाई फैमिली से बिलोंग आपका करता है अफगानिस्तान से वियतनाम में ये पाया जाता है और ये त्योमन आइलैंड मलेशिया में भी काफ़ी हद तक आपका पाया जाता है तो यहाँ पे यह ब्लिथ्स हॉर्सो पर ये जो शेप होता है ना वो हॉर्स शू की तरह होता है है ना आई थिंक हॉर्स शू का मतलब होता है घोड़े की नाल की तरह होता है एक बार चेक करना या उसके पैर के जो है उसकी तरह होता है आई थिंक है ना तो वो इस टाइप से जो होता है जो पैरों में लगाया जाता है घोड़े की उसकी शेप की उसकी नोज होती है इसलिए इसको हॉर्स शू बोलते हैं ठीक है सो ब्लिथ शू बैट के बारे में थोड़ा सा इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होना चाहिए तो यहाँ सारे जो रीजन्स हैं अफगानिस्तान बांग्लादेश कंबोडिया चाइना इंडिया इंडोनेशिया मलेशिया म्यांमार नेपाल पाकिस्तान थाईलैंड वियतनाम इन सारी जगह पे वी कैन से कि जो हॉर्स शू बैट है उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट देखते हैं इसरो टू बूस्ट नाविक नाविक और आई आर एन एस एस ठीक है सेम है दोनों में डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पे यूजर बेस को इंक्रीज किया जाए देखो क्या है एक ये साइंस एंड टेक का टॉपिक बन जाता है इसमें एक कंटेक्सट देखते हैं और वो कंटेक्स समझो क्या हो सकता है देखो वेन यू टॉक अबाउट आई आर एन एस एस या शॉर्ट में नाविक की बात करें तो ये हमें जैसे मान लो ये इंडिया है आपका है ना तो लगभग आपका 1500 किलोमीटर तक 1500 किलोमीटर तक जो पोजीशनिंग सिस्टम है या आप कह सकते हो नेविगेशन सिस्टम है उसकी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है जैसे इफ़ यू यूज ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम आप जीपीएस का इस्तेमाल करते हो तो कैसे कहीं जाना है तो यूज़ द जीपीएस चलो ठीक है जाने के लिए अब यूज द यू कैन यूज द जीपीएस बट देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि बहुत सारे लेवल पे जो ये आपके जीपीएस तो है ही ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं बट ये जो नेविगेशन सिस्टम है वो आपकी जैसे एयर एयरप्लेन्स हैं कोई ऐसी चीज़ें हैं अब आप अगर बाइक से जा रहे हो साइकिल से जा रहे हो किसी तरी गाड़ी से जा रहे हो जीपीएस का इस्तेमाल करोगे चलो जीपीएस काम भी नहीं करता फिर भी पूछ के पहुंच जाओगे लेकिन अब ऐसा नहीं कि एयरक्राफ्ट जा रही है सैटेलाइट्स जा रही हैं तो वो रास्ते में जो है कोई पूछ रहा है कि यार यहाँ आसमान से लेफ्ट लूँ क्या है ना तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं होगा ना सो दे हैव टू यूज़ अ नेविगेशन सिस्टम अब क्या होता है कि अगर इफ़ इफ लाइक इफ़ यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन क्योंकि जी पी एस यू यूएस का सिस्टम है तो वो उन्होंने चलो एक्सेस कर हमें अलाउ किया है बट वो पूरा हंड्रेड परसेंट डेकोरेसी के साथ अलाउ नहीं करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि जैसे जो हमारी एयरक्राफ्ट है जैसे कारगिल वॉर के दौरान जी पी एस सिस्टम की जो एक्सेसिबिलिटी है वो देने से मना कर दिया था तो उससे हमें काफ़ी नुकसान हुआ था यूएस ने ऐसा किया था तो अभी क्या है कि आ, हमने अपना भी सिस्टम मना एटलीस्ट फिफ्टीन तो हंड्रेड किलोमीटर तक का एरिया है तो वहाँ पे हमारा जो खुद का नेविगेशन सिस्टम हो कि ऐसे कोई इमरजेंसी आए तो हम जो है यूज़ कर सके हम दूसरे पे निर्भर इतना देख ना करें क्योंकि एक बार किसी ने माना किया फ्यूचर में भी कोई इमरजेंसी के टाइम पर मना कर दिया तो क्या करोगे ये सिचुएशन आ सकती है तो ये एक पॉइंट ध्यान में रखना दूसरा पॉइंट ये है कि अब अगर हमने सिस्टम डेवलप कर दिया तो आसपास के जो देश है उनको भी हम सर्विस दे सकते हैं कि चलो तुम भी पोजिशिंग सिस्टम इस्तेमाल कर लो और कुछ जो रेवेन्यू चार्ज हम कर सकते हैं कि ठीक है इतना आप ये करो और इतना पैसा हमको मिले तो इससे क्या होगा कि हमारी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसका कमर्शलाइजेशन होगा और उससे हम अर्निंग करेंगे हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो मेन यह है कि एक तो प्रयास ये करना है कि एक तो जो रीच है उसको बढ़ाया जाए एक्यूरेसी बढ़ाया जाए और फर्दर इसको इंक्रीज़ किया जाए जो रेंज है जो फिफ्टीन हंड्रेड का टू हंड्रेड टू थाउ फिफ्टीन हंड्रेड टू थाउजेंड कर दें ऐसा जो रेंज है स्केल है उसको भी इंक्रीज आपका किया जाए सो so, ये पॉइंट आपको याद रखना है तो दिस इज वट वी कॉल इट एज कि uh, ये एक इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम है एक्यूरेट पोजिशन इंफॉमेशन प्रोवाइड करना uh, लगभग फिफ्टीन हंड्रेड किलोमीटर तक का जो एरिया जो हमारी बाउंड्री है कई सारे एरियाज में अब ये इसका आप कह सकते हैं जो रेंज है ये इसका लैटिट्यूडनल रीजन दे रखा है लैटिट्यूड थर्टी डिग्री साउथ से लेके फिफ्टी डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड थर्टी डिग्री ईस्ट से लेके वन थर्टी डिग्रीज और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का आपको अंतर पता ही होगा जैसे मान लो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको लेटिट्यूड बोलते हैं और जो ये वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं तो ये उसका आप आपका कह सकते हैं कि जो एरिया कवरेज है वो लैटिट्यूड uh, लॉन्गिट्यूड में ये है ये जो दो तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता है एक है स्टैंडर्ड पोजिशन सर्विस जो कि सारे यूजर के लिए है और एक है रिस्ट्रिक्टेड सर्विस तो यहाँ पे देखो एक तो एसपीएस है जो कि सब लोग आप हम सब यूज कर सकते हैं एक है। मिलिट्री मतलब ऑथोराइजट्रीपज के लिए ही इस्तेमाल किया जा, किया जा है एक ट्वेंटी सर्विस एरिया लगभग बेटर मिलिट्री पर्पज के लिए एक्यूरेसी और ज्यादा हाइर आपकी होगी तो यहाँ पे क्या है की ये जो स्पेस टेक्नोलॉजी है इसके बहुत सारे दूसरे जो इस्तेमाल है वो भी देखने को मिलते हैं मिलिट्री पर्पज के लिए भी अब कोई जगह लोकेट करनी है कोई इंट्रूड कर रहा है बॉर्डर एरिया में कौन घुस रहा है ये सब जानकारी सेटेलाइट के माध्यम से हो जाएगी सरकार ये भी प्रयास कर रही है कि आपके जो फोन है जैसे उस फोन में जी का सॉफ्टवेयर होता है तो उसमें भी आपके फ़ोन के अंदर नाविक एप्लीकेशन है नाविक हो आप नाविक के से क्लिक करो और उससे फिर आप इधर उधर जाना जो भी मतलब नेविगेशन पर्पज़ के लिए आप नाविक का इस्तेमाल कर सकते क्योंकि देखो जी के लिए जो अलाउ किया जाता है उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आपका मतलब जाता है तो यूएस की जो बैठी बैठी वहाँ कंपनी है उनको पता है दे आर ऑल्सो अवेयर ठीक है दे आर ऑल्सो अवेयर जो है कि आप यहाँ जाते हो आप इतना पेट्रोल खर्च करते हो आप इस जगह पे जाते हो आपकी प्रेफरेंस ये ये है वो सारा डेटा जाता है वहाँ डेटा जनरेट होता है वेन यू आर यूजिंग द जी पी का मतलब जो क्योंकि यूएस सिस्टम है तो सारा डेटा वहाँ तक जाता है तो उससे फिर अपनी वो प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटी डेवलप कर लेते हैं ठीक है तो ये ये सब चीज़ें रहती है तो अगर हम खुद का बना लेंगे नाविक है हमारा और आपके फ़ोन में वो है तो वो डेटा हमारे पास रहेगा और उस डेटा को और फिर हम अपने जो भी कंपनीज़ हैं जो इंडियन कंपनीज हैं उनसे शेयर करना और सब चीज़ें वी कैन डू इट है ना वो किया जा सकता है तो ये एक बड़ा बेनिफिट है एक चीज़ और भी याद रखना है कि जैसे व्हाट्सएप है अब व्हाट्सएप जैसी जगहों पर अगर देखा जाए तो अगर व्हाट्सएप जैसी जगहों में कोई ऐसा कंटेंट आता है ठीक है अगर कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जो कि क्लियरली डिफाइंड है और लॉ में भी मैंशनड है कि उस कंटेंट को आपको फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए अगर आप उसको फॉरवर्ड करते हो तो उसका भी प्रोविज़न है जिसमें आपको सज़ा हो सकती है जैसे कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी का अगर वीडियो आता है और अगर आपने उसको फॉरवर्ड किया और उसको शेयर किया तो वो क्या है कि उस पर जो प्रावधान है कि उसके खिलाफ आपके खिलाफ भी सिर्फ आपने फॉरवर्ड कर दिया तो सज़ा का प्रावधान मतलब एक्शंस जो है वो हो सकते हैं तो ये चीज़ हमेशा से याद रखना है हमेशा याद रखना है व्हाट्सअप में भी क्या होता है कि एक सर्वर है जहाँ डेटा फटा तुरंत जाता है कि इसने ये वीडियो शेयर किया या इस तरीके से और वो डेटा एन के पास जाता है तो वहाँ से ईजिली जो है आप ट्रैक हो सकते हो कि अच्छा इस तरीके के डेटा कंटेंट को शेयर किया जा रहा है ठीक है तो ये सब चीज़ें माइंड के अंदर होना चाहिए अवेयरनेस होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का किस तरीके से इस्तेमाल हो आपको भी लगता है कि अरे मैं अपना छुपकी मतलब है ना वो फ़ोन ऐसे ऐसे करके ना देख लिया कि अरे मुझे कोई नहीं देख रहा है ये आप सामने वाले पर्सन से अपने फ़ोन को बचा सकते हो बट आपके फ़ोन का सारा डेटा जितना भी सब कुछ आप करते हो सारी चीज़ें वो जो सर्वर है उनका वहाँ तक सारा डेटा जाता है ठीक है इसीलिए कहा जाता है कि चलो गलत इस्तेमाल है वहाँ तो स्टेप लेना चाहिए लेकिन फिर इसीलिए डेटा प्राइवेसी जैसी चीज़ों की बात की जाती है कि आपका जो डेटा जनरेट हो वो जो खास तौर तो से जो पर्सनल डेटा है दैट हैज़ टू बी सिक्योर हमारे देश में इसलिए डेटा प्रोटेक्शन लॉ जल्द आया ऐसा हमको देखना है और सही से इम्प्लीमेंट हो क्योंकि हर चीज़ डेटा पर निर्भर कर रही है और हमारे ही जो है आ, हमने सेपरेट लॉ भी नहीं बना रखा इसके लिए लिए कि इसको कैसे गवर्न करें तो दैट इज़ अ डिफरेंट रियली अ बिग चैलेंज इसको तो हमको देखना चाहिए अब देखो इसके एप्लीकेशन याद कर लो अभी आपसे ना पूछ ले जैसे नेविगेशन के लिए नेविगेशन के लिए है ना मोबाइल फोन टाइमिंग के लिए व्हीकल ट्रैकिंग फ्लीट मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट तो ये नेविगेशन पर तो ये आपको बस याद रखना है अगर आपसे पाँच नंबर में ही पूछ ले आई आन के बारे में लिखने के लिए नाविक बहुत बार मेंस में पूछा अगर आप पेपर उठा के देखोगे ना तो पूछा हुआ है तो सब पूछा हुआ है तो वी शुड नो कि अच्छा यार चार पाँच दस जो भी है चार पाँच एप्लीकेशन रटे होने चाहिए लिख दो नेक्स्ट जीईएसी कल्टिवेशन ऑफ खाली यही पढ़ लिया क्या आपको मिलेगा ठीक है ये कोई नहीं पूछने वाला आपसे कि ये यहाँ से है ना कि क्या अप्रूवल किया क्या यहाँ से कुछ ये थीम है अब प्रश्न कैसे निकलता है उसको हम डिस्कस करेंगे पहला प्रश्न आता है कि आपको पहला पता होना चाहिए जीई क्या होता है दूसरा प्रश्न आता है जो आपको पता होना चाहिए ठीक है एक तो आपको जीएसटी क्या होता है ये पता होना चाहिए दूसरा प्रश्न आता है जो हमें पता होना चाहिए वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे बारे में इसके बारे में बहुत सारी चीजें एडवांटेज क्या है डिसएडवांटेज क्या है और स्कोप क्या है ये सब बातें आपको पता होना चाहिए तो ये दोनों चीजें मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा ठीक है तो एक टॉपिक आपका जीएम क्रॉप का भी कवर हो जाएगा इसका पीडीएफ आई विल शेयर तो वो आप लोग देख लेना वैसे आपको नोट्स जो एक्चुअली कई लोग क्या करते हैं कि दे प्रिपेयर Notes, नोट्स मतलब ई नोट्स बना लेंगे या पी का प्रिंट आउट ले लेते हैं तो डिपेंडेंसी बहुत बनी रहती है कि अच्छा चलो पी हम ये कर तो देखो ये थोड़ा सा आप रिड्यूस कर सकते हो पी पे डिपेंडेंसी अगर आप रिड्यूस कर लो तो आपके लिए फ़ायदा है इसी फर वॉचिंग द सेशन आपके पास ऑप्शन होता है पॉज करने का हाथों हाथ नोट्स बनाओ वहीं पर ठीक है कि अब ये नहीं कि मैं आपसे स्लाइड शेयर कर रहा हूँ तो यू आर टेकिंग द प्रिंट आउट ऑफ दी स्लाइड्स पचास स्लाइड्स हैं पचास का एक दिन में करोगे महीने में पचास इंटू तीस कितना हो पंद्रह सौ पंद्रह सौ इंटू बारह करो डेढ़ सौ साल करो मतलब पंद्रह सौ इन्टू अट्ठारह करो तो कितना हो जाएगा पंद्रह सौ इंटू अठारह मतलब अठारह हज़ार और छः चौबीस हज़ार चौबीस हज़ार पेजेज ऐसे लेके है ना क्या करोगे मतलब यू अंडरस्टैंड मतलब एग्ज़ाम से पहले आप चौबीस हज़ार स्लाइड्स का वो करोगे एक तो आपका एक पेज में दो रुपये भी लगे तो चौबीस इंटू टू छप्पन हज़ार रुपये आपके खर्च हो जाएंगे ठीक है मतलब कितना हुआ तो सॉरी ट्वेंटी फोर इंटू टू करोगे तो कितना हुआ बीस बीस चालीस और ठीक है तो आपके फोर्टी एट थाउजेंड रुपीज खर्च हो जाए फोर्टी एट थाउजेंड किसी आउटपुट का नहीं अब इस तरीके से सोचो ना मतलब आप एक दिन के लिए बस कि मुझे पी मिले और मैं लैपटॉप में सेव कर लूँ ऐसा नहीं है को हैबिट डेवलप करो कि खुद ही नोट्स बन जाए यही चौबीस हजार जो पी हैं वो पी आपकी जो है इट कैन बी रिड्यूस टू थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड पेजेज जो आपके हाथ के बने होंगे तो एक बार मेहनत कर लो सारी मेहनत किसके लिए कर रहे हो एग्ज़ाम के दिन के लिए तो कर रहे हो है ना यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम ओनली अभी चौबीस हजार का लेके क्या कर वॉट वी विल डू कि आप पी पी टीस किस काम के आएंगे पी पी टीस किस काम के आएंगे मतलब चौबीस हज़ार वो जो हो तो डोंट टेक द प्रिंट आउट्स इफ यू आर प्लानिंग लेट्स प्रिपेयर द ई नोट्स दैट इज फाइन बट यू हैव टू सेग्रीगेट एज पर द सब्जेक्ट्स डोंट प्रिपेयर नोट्स है ना कि डेट वाइज नहीं प्रिपेयर करने प्रिपेयर ऑलवेज प्रिपेयर नोट्स सब्जेक्ट वाइज जो मैं आपको इनिशियल वन मिनट के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ ना कि लाइक दिस सब टॉपिक इज रिलेटेड विद दिस सब्जेक्ट दिस टॉपिक इज रिलेटेड विद दिस सब्जेक्ट प्रिपेयर नोट्स सब्जेक्ट वाइज इंड ऑलवेज वेन यू आर रीडिंग द स्टेटिक पार्ट जस्ट टेक आउट द फोल्डर रिलेटेड विद दैट सब्जेक्ट एंड रीड इट सो ऐसा होना चाहिए डोंट टेक इट की ये कोई करंट अफेयर्स या कुछ ऐसा ही है यू आर रीडिंग अाइएस्ट लेवल ऑफ हाइएस्ट और एडवांस्ड आस्पेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट पॉलिटी भी पढ़ रहे हो इकोनॉमी भी पढ़ रहे हो है ना हिस्ट्री नहीं पढ़ रो क्योंकि हिस्ट्री तो हिस्ट्री वाले टीचर पढ़ाएंगे मतलब आप साइंस एंड टेक भी पढ़ रहे हो एग्रीकल्चर भी पढ़ रहे हो आई भी पढ़ रहे हो तो एवरीथिंग जब भी आप उस चीज़ को अगर आप डिवाइड कर लोगे इफ़ यू आर डिवाइडिंग एवरीथिंग आपको पता है कि मेरा ये स्टैटिक मैंने पढ़ लिया फिर उसी फोल्डर को उठाया पढ़ लिया तो दैट विल हेल्प यू ये चीज़ कि स्टेटिक कंटेम्प्रेरी इशूज़ को आप कंबाइंड करके चल रहे हो ये ध्यान में रखना है इन्फॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है ये ब्रिज बन गया वो उसको प्राइज़ मिल गया उसको स्पोर्ट्स में ये चीज़ मिल गया ऐसा पूछते नहीं है पेपर उठा के इसका प्रूफ क्या है पेपर उठा के देखना है कोई कहता है नहीं मानो पेपर उठा के देखो कि अच्छा है एक मतलब ट्वेंटी ट्वेंटी वन में आई थिंक दो तीन क्वेश्चन स्पोर्ट्स के आए थे वो स्पोर्ट्स के बहुत मेजर इवेंट्स थे जिससे उन्होंने प्रश्न बनाया था वो भी डायरेक्ट नहीं थे प्रश्न ठीक है तो ये चीज़ें थोड़ा सा माइंड के अंदर हमें कंसिडर करना है इन्फॉर्मेशन के पीछे नहीं बना अगर आप डेटा कलेक्टर बनोगे तो कलेक्टर बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा ये ध्यान में रखना तो गलतियों से सीखना चाहिए तो ये ध्यान अब देखो यहाँ पे टॉपिक आता है जेनेटिक तो इंजीनियरिंग जो कमर्शियल कल्टिवेशन है का, उसको अलाउ कर दिया ये आई थिंक अभी दो चार साल पहले एक बार और अप्रूव किया था तो यहाँ पे देखो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड तो डी एम एच इलेवन अगर आप है ना? तो ये, अगर आपसे पूछे कौन है तो ये मस्टर्ड वैरायटी है मस्टर्ड सरसों जिसे कहते हैं उसकी वैरायटी है और ये जीएम क्रॉप है मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है इसको थोड़ा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ पहली चीज तो आपको समझना है जैसे मान लो कोई भी क्रॉप है ठीक है सपोज करो कि कोई क्रॉप है है ना सपोज करो ये एक क्रॉप है अब इस क्रॉप ये क्रॉप है, है ना अब इस क्रॉप क्रॉप की कुछ भी प्रॉपर्टी आप ले लो ये इसके पौधे इसकी पौधे की हाइट कितनी है पौधे में जो बीज किस तरीके से हैं फूल कैसे आते हैं प्रोडक्टिविटी कितनी है हर चीज़ निर्भर करती है जीन हर चीज़ निर्भर करती है किस पर जीन जीन्स पर निर्भर करती है आपने क्या किया कि बाहर से कोई जीन लेके इसमें इंट्रोड्यूस किया अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर से ले आए और लेकर आके और पेड़ को जो है इंजेक्शन दे दिया ऐसा नहीं होता है जब जब भी हम जीन इंट्रोड्यूस करते हैं नया तो वो उसके कई तरीके होते हैं जैसे जीन गन का इस्तेमाल किया जाता है या दूसरा और भी तरीका होता है कि आप जो है आप लैब में प्रिपेयर कर सकते हो कि जो भी आप आप क्या करोगे कि जैसे किसी जीन को इंट्रोड्यूस अगर आपको करना है अगर नई जीन का है तो आपने वो जीन कहीं पे प्रेजेंट होगी आपने मान लो मान लो कि ये एक दूसरा प्लांट है अब इस प्लांट के एक एक्सट्रैक्ट इस प्लांट में एक फ्लावर है ठीक है उस फ्लावर के अंदर एक पोलन मतलब उस फ्लावर के अंदर पोलन है पोलन ग्रेन्स हैं एक में जैसे जो भी फ्लावर स्ट्रक्चर होते हैं ना इस फ्लावर स्ट्रक्चर में जैसे पॉलेंस होते हैं और यहाँ पे क्या होगा स्टिग्मा स्टाइल होता है अंदर आपका ओवरी होती है ठीक है तो यहाँ से यह पॉलेंस जो है जब अंदर जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है कि देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि हम पॉलिनेशन uh, जो है आर्टिफिशियल तरीके से क्रिएट कर सकते हैं वी कैन डू द पॉलिनेशन ऑल्सो तो यहाँ से जब पॉलिनेशन होगा तो वट विल हैपन कि अगर एक प्लांट से मान लो क्रॉस पॉलिनेशन कर रो दूसरे प्लांट से पॉलन uh, किसी दूसरे प्लांट में कि स्टिग्मा स्टाइल के अंदर जाएगा तो uh, क्या होगा ये जो पॉलिनेशन होगा जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा सो दिस क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से क्या होगा दूसरे प्लांट का जो जीन्स होंगे वो आपके आपके दूसरे प्लांट में चले जाएंगे ठीक है कैसे जैसे यू आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट प्लांट्स एक प्लांट यहाँ एक प्लांट यहाँ तो इस प्लांट से पॉलिन आके दूसरे प्लांट के फ्लावर में चले जाएंगे तो इस क्रॉस पॉलिनेशन से देर विल बी अ ट्रांसफर ऑफ जीन ऑल्सो और जो नया प्लांट बनेगा जैसे फिर फर्टिलाइजेशन होगा मान लो ए और बी मिले और C बना तो ये जो C बनेगा इसको हम हाइब्रिड बोलेंगे वी विल हाइब्रिड 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 तो ये ये देखो वो एक शब्द में है ना डी एम एच इसे बोलते हैं ठीक है ऐसे जो हाइब्रिड बने हाइब्रिड जब शब्द यूज करते हो इसका मतलब दो जैसे बोलते हैं ना कि ये हाइब्रिड अभी कार आई है कौन सी विटारा वो कार है तो बोलते हैं हाइब्रिड कार है तो क्या मतलब वो हाइब्रिड का हाइब्रिड का मतलब उसमें दो चीजें हैं आप उसमें पेट्रोल भी डाल पेट्रोल में भी चलेगी इलेक्ट्रिक से भी चलेगी तो यहाँ पे हाइब्रिड का मतलब इसमें का भी हिस्सा है बी का भी हिस्सा इसलिए हाइब्रिड बोलेंगे और इसका एक तरीका है कि आप क्रॉस पॉलिनेशन के माध्यम से भी कर सकते हो लैब में भी आप कर सकते हो लैब में सेल्स हैं उनमें फिर जीन इंट्रोड्यूस कर दो फिर धीरे धीरे क्या है वो ग्रो करेंगे फिर उसका कैलस बनता है ठीक है फिर और बड़े होंगे फिर उसका एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं हार्डनिंग हार्डनिंग वो की जाती है ठीक है तो ये फिर धीरे धीरे व्हाट विल हैपन कि ये जो प्लांट्स हैं ये आपके हार्ड ग्रो कर जाएंगे हार्डनिंग के बाद से जो कंडीशंस आप अवेलेबल कराओगे तो जो रूट्स हैं वो डेवलप होंगे सूट है वो डेवलप होगा पूरा कंप्लीट प्लांट बन जाएगा और फिर फर्दर आपका जो एक कम्प्लीट प्लांट है वो आपका बनेगा दिस कंप्लीट प्लांट विल बी देयर ठीक है जो कंप्लीट प्लांट है दैट विल बी देयर कंप्लीट प्लांट है वो डेवलप होगा फिर उसको आप खेतों में लगा दो तो ये जो जीन आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो आर्टिफिशियल सेंस में ठीक है दैट विल मेक इट मॉडिफाइड जीएम ठीक है जेनेटिकली मॉडिफाइड ठीक है देर आर टू टर्म्स वी कॉल इट एज एक तो जेनेटिक मेनुपलेशन है ना छोटा चेंज आपने कर दिया बट आप जब मॉडिफिकेशन करते हो ना देखो मैन्युपुलेशन में ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है मैनुपलेशन मतलब इसी की जीन है आपने इसमें थोड़ा कम ज्यादा कर दिया किसी को कम कर दिया मतलब किसी के एक्सप्रेशन को रोक दिया किसी के एक्सप्रेशन को ओवर एक्सप्रेस कर दिया इस तरीके से तो आप इसे जेनेटिकली मॉडिफिक मेन्युपुलेशन कहते हैं जब आप मॉडिफिकेशन में जाते हो तो यू आर जीन इसके लिए आपको बहुत ज्यादा परमिशन चाहिए होता। तो आपको ऐसा आप करोगे ना तो आपको जीई से परमिशन चाहिए होगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट आई थिंक आती है साइंस एंड टेक आगे देखेंगे लिखा हुआ है तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक में या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट किसी के अंदर आती है ठीक है तो यहाँ पे आ, ये आपको याद रखना है तो यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट है थी? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉडिफाइड शब्द जो है या ट्रांसजेनिक प्लांट्स बोलेंगे कि बाहर से किसी जीन को इंट्रोड्यूस कर रहे हो डिजाइड जी तो उसमें बहुत ज़्यादा परमिशन जो है वो आपको लेनी पड़ती है यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ परमिशन तो ये बहुत पॉइंट आपको देखना है अब यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है जीएम क्रॉप्स के लिए अब आपको सारा परमिशन इससे लेना पड़ेगा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल्ट जो कमिटी है जो कि हाँ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर आती है ठीक है ये ध्यान में रखना और आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक तो मेनली देश के अंदर जो जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स उन पे जो रिसर्च और सब होता है तो इसमें दो एजेंसीज हैं जो मेजरली इसको रेगुलेट करती हैं एक आपका है जेन जी और दूसरा जो पार्ट आपका बनता है दैट वी कॉल इट एज जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस मतलब जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंदर आती है तो जीएम क्रॉप्स के बारे में देखें तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं मतलब आपने क्या किया कि दूसरे किसी जीन को इंट्रोड्यूस किया उसको हम ट्रांसजेनिक बोलेंगे ट्रांसजेनिक जेनिक मतलब जीन से रिलेटेड है ठीक है तो दूसरे स्पीसीज का आपने किया इसका बेनिफिट क्या है मान लो एक टमाटर है अब उस टमाटर में कोई जीन आपने इंट्रोड्यूस किया उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ गई टमाटर जो है एक दिन में खराब हो जाएगा बट आपने कोई जीन इंट्रोड्यूस की तो टमाटर की लाइफ बढ़ गई तो टमाटर अब एक दिन में खराब होने की जगह पांच दिन में खराब चलेगा आठ दिन में जो है वो खराब होगा ऐसे ही गोल्डन राइस के अंदर आप विटामिन ए जीन इंट्रोड्यू मतलब ऐसी जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जिससे कि विटामिन ए उसमें प्रोड्यूस होने लग गया तो ये है आपने वो बैक्टेरियम एरेविनिया करके है उससे आपने निकाला और उसको इंट्रोड्यूस किया उस जीन को राइस में और फिर वो जो है विटामिन ए प्रोड्यूस करने लग गया तो ये एक जेनेटिकली मॉडिफिकेशन भी होगा ऐसे ही आज के समय में जैसे अगर आपसे पूछे कि आज का जमाना है बायोटेक का इतना इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ेगा तो इसलिए क्योंकि बाहर का जो मान लो कोई पौधा है अब वो पौधे के आसपास का जो एनवायरमेंट हो बदल रहा है मान लो एग्रीकल्चर कंडीशन जो है विन वी टॉक अबाउट वो चेंजेस हो रहा है मॉइस्चर में बदलाव टेम्परेचर में बदलाव दुनिया भर का बदलाव जब आपका होगा तो जब दुनिया भर में बदलाव इतना सारा हो रहा है आसपास पास के तो इट कांट फेस और इट कैन ओ ओ ओ ओ ओ ओरकम द स्ट्रेस बिकॉज ऑफ द चेंज इन मॉइस्चर लेवल और ये सब जो बदलाव हो रहा है तो ये क्या होता है कि मान लो मॉइ मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी नहीं सूखा है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ये जो स्ट्रेस की कंडीशन है इस स्ट्रेस की कंडीशन प्लांट इसको झेल नहीं पाता है तो आपको क्या है जीन जो है कुछ जीन्स ऐसे इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं प्लांट्स में जिससे कि वो उन कंडीशंस में ग्रो कर सके ठीक है तो ऐस आज के समय में जो क्लाइमेट चेंज में एग्रीकल्चर की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी का रोल बहुत आता है बिकॉज वी कैन क्रिएट न्यू वराइटीज जो कि जो भी बाहर बदलाव हो रहे हैं वैसी कंडीशन में भी वो इजीली ग्रो कर सकते हैं मतलब दे कैन बी स्ट्रेस रेजिस्टेंस आल्सो दे कैन बी इंसेक्ट रेजिस्टेंस आल्सो जैसे अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट इज द रोल ऑफ क्राई प्रोटीन क्राई प्रोटीन क्या है ठीक है बी कॉटन जो है बी कॉटन में इससे रिलेटेड ये बताओ कमेंट सेक्शन में ठीक है बी कॉटन से रिलेटेड है फिर देखा जाए जैसे एलगी का प्रोडक्शन है मॉडिफाइड जेट्रोफा है बायो इथेनॉल के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं बायोप्लास्टिक यूज बना सकते हैं ठीक है डिटर्जेंट को यूज बनाया जा सकता है सब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के माध्यम से किया जा सकता है रिस्क क्या है एलर्जी एलर्जिन इसका मतलब क्या शरीर के अंदर वो प्लांट गया अब वो प्लांट का आपने जेनेटिकली मॉडिफाई किया अब आपका आपका जो शरीर है हाउ इट इज हाउ इट इज गोइंग टू रिएक्ट ठीक है किस तरीके से आपका जो बॉडी है वो एक तरीके से उसमें रिएक्ट करेगा तो ये है एलर्जिसिटी है ह्यूमन हेल्थ पे नेगेटिव इंपैक्ट है इंडिजिनस क्रॉप्स का लॉस होगा टॉक्सिक प्रॉपर्टीज कई प्रकार की जो हो सकती हैं एडवांटेज अगर जीएम क्रॉप की बात करें तो फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है ड्रॉट रेजिस्टेंट सेलिलिटी टॉलरेंस न्यूट्रिशन ये सब फैक्ट्स आपको याद रखना चाहिए कोई भी जो प्लांट है आ, अगर बाहर सिचुएशन बदल रही है टेम्परेचर इन सब में चेंजेस आ रहे हैं तो तभी वो प्लांट को अगर मॉडिफाई आप करते हो तो वो उन चेंज्ड कंडीशन में भी इजीली ग्रो कर सकता है तो ये आपकी फूड सिक्योरिटी के लिए अच्छा है ड्रॉट रेजिस्टेंट में भी सूखा की कंडीशन में भी कई प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं अगर आपने जेनेटिकली उसको चेंज कर दिया सेलनिटी मतलब सॉल्ट टॉलरेंट मतलब जो सॉइल में सॉल्ट प्रेजेंट है वो सॉल्ट बेसिकली अगर देखा जाए तो जो सॉल्ट कंटेंट अगर हाई है उस कंडीशन में भी ग्रो कर सके न्यूट्रिशन है जैसे अभी हमने देखा कि कुछ ऐसे क्रॉप्स है जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू हाइयर होती है एडवांटेज की बात करें सेफ्टी uh, टेस्टिंग है Uh, आपको uh, uh, मतलब डिसएडवांटेज की बात करें तो बहुत सारी गाइडलाइंस होती है इसके अप्रूवल बहुत मुश्किल होता है पेस्टिसाइड और इन सब की ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है और कंज्यूमर बिहेवियर पे भी होता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो आप इस्तेमाल करोगे कि नहीं करोगे तो ये सब चैलेंजेस भी आपके रहते हैं रेगुलेशन के लिए आप ये याद रखो कि सैनिटरी फोन फाइट्रोसेनेटरी मेजर्स हैं जैसे एक तो आप जी ई देखो जो कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है उससे हर चीज़ की अप्रूवल होती है इंडिया के कंटेक्ट में एक सैनिटरी फाइनो सैनिटरी मेजर्स होते हैं डब्लू टी के नॉर्म्स हैं कोई भी देश अपने खुद के स्टैंडर्ड सेट कर सकता है वो कह सकता है कि मैं इस क्रॉप को बिकॉज इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड आई विल नॉट टेक तो खुद के स्टैंडर्ड सेट कर सकता है तो यह सैनिटरी फाइनोसेंटरी मेजर क्या था? फिर आपका कोडेक्स एलिमेंटेरिया बेसिकली फूड एंड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के आप कह सकते हैं कि ये कुछ सर्टेन सेट ऑफ प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैं, रिकमेंडेशंस जो कि फूड एंड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा पब्लिश uh, किए जाते हैं दे आर बेसिकली वी कैन से कि जो फूड फूड प्रोडक्शन फूड लेबलिंग ये सब फूड सेफ्टी इनसे रिलेटेड होती है तो अगर कोई भी क्रॉप है जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर उसका नेगेटिव इंपैक्ट है सो दैट विल दैट दैट हैज़ टू सेटिस्फाई और ये स्टैंडर्ड मीट करने पड़ेंगे जो कि इंक्लूडेड है कोडेक्स एलिमेंटेरियस एरियाज में कोडेक्स एलिमेंटेरियस सैनिटरी फाइनो सैनिटरी मेजर और जी ये तीन रेगुलेटरी मेजर से ध्यान में रखना नेक्स्ट देखते हैं फाइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर कॉल्स फॉर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एक्सप्लेनर सीरीज के अंदर अगर देखा जाए तो आज यही एक टॉपिक आपका आया है एडिटोरियल में जितने टॉपिक्स हैं मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इतने इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे एक टॉपिक है ये है इन्वेस्टमेंट के कंटेक्सट में तो इसको थोड़ा सा समझते हैं uh, ये टॉपिक आपका इकोनॉमी का है ठीक है इकोनॉमी का है अब देखो इसमें क्या बातें कही गई हैं देखो जनरली कोई भी जो इकोनॉमी होती है ना वी न्यू टॉक अबाउट एनी इकोनॉमी जब आप किसी भी इकोनॉमी की बात करते हो ठीक है सो so, उस इकोनॉमी के अंदर वीन यू टॉक अबाउट एनी इकोनॉमी किसी भी इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो दैट इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स ठीक है पहली चीज तो ये है दैट डिपेंड्स ऑन डिमांड ऑल्सो एंड दैट डिपेंड्स ऑन सप्लाई ठीक है तो जितना डिमांड होगा उतना सप्लाई आएगा आपका डिमांड अब डिमांड के लिए दो चीजें हैं ठीक है डिमांड कैसे जनरेट होगा आपके जेब में पैसा हो तो एक होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर है ना दूसरा प्राइवेट भी प्राइवेट लेवल पे जो है वो भी है दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जैसे सरकार कोई एक्सपेंडिचर कर रही है जैसे कोरोना का टाइम कोरोना का जो समय था उसमें क्या था कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा तो सरकारी खर्चा हो रहा था अब यहां पे एक्सपेंडिचर है दूसरा एक जो एस्पेक्ट आता है वो है इन्वेस्टमेंट 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 अगर आप आज करोगे तो आप इन्वेस्ट जैसे मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट है आज करोगे तो बेसिकली आज अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आउटकम हो सकता है दस साल बाद आए तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट अभी फिलहाल के लिए कहा गया कि जैसे जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता है मतलब सरकार की तरफ से होता है अब जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारे लेवल पे जरूरी होता है है ना जैसे सरकार ने क्या किया सरकार ने जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको रिड्यूस कर दिया बाइस परसेंट बाईस परसेंट रिड्यूस कर दिया अब ये सरकार का था कि चलो इनका कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस किया है तो अभी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करेंगे पेंडेमिक के समय क्योंकि पैसा नहीं था तो सरकार ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया जिससे इकोनॉमिक में डिमांड मेंटेन रहे लेकिन अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बारी आ गई कि आपने उसमें उनका कॉर्पोरेट टैक्स भी कर दिया चीजें भी थोड़ा सा बेटर हो रही हैं तो ऐसे सिचुएशन में प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि जो भी इकोनॉमी है, है उसमें जो डिमांड क्रिएशन है या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन है उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा रोल है लेकिन ये लोग डिले कर रहे हैं दे आर नॉट इन्वेस्टिंग ठीक है तो ये इस वजह से फाइनेंस मिनिस्टर ने भी अपना एक बात बोल दी कि यू नो you know, कि अभी हम क्यों ऐसा मतलब तो क्यों हम होल्ड बैक कर रहे हैं वी हैव टू इन्वेस्ट अब टैक्स भी रिड्यूस कर दिया सब कुछ है तो ये एक है अब देखो इसमें क्या है जो इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे उसके पीछे क्या है कि अगर मान लो वो इन्वेस्टमेंट करते मान लो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही वो करोड़ों रुपए लगाते हैं तो अब जो इन्वेस्टमेंट वो प्रॉफिट पे निर्भर करता है अब उनको ये पता है कि अगर अभी इन्वेस्ट करेंगे बिकॉज वॉर चल रही है और यह सब चल रहा है तो ग्लोबल स्लो डाउन हो सकता है रिसेशन हो सकता है यूएस की इकोनॉमी डाउन जाएगी ऐसा कुछ हो सकता है तो उनको लगे अभी हमने अगर इन्वेस्टमेंट किया हमको तो हमको रिटर्न नहीं मिला तो वाई वी शुड इन्वेस्ट डोमेस्टिक डिमांड भी इतनी हायर नहीं है तो डोमेस्टिक रीजनरेट अगर होगी तो क्योंकि कोई भी इन्वेस्ट करेगा कोई प्रोडक्ट बनाएगा तो वो प्रोडक्ट को खरीदने वाला भी तो चाहिए और कौन खरीदेगा या तो आपके देश में खरीदेंगे तो वो डोमेस्टिक डिमांड हो जाएगी और या तो आपके देश के बाहर खरीदेंगे वो आपका इंटरनेशनल आस्पेक्ट में डिमांड रहेगी ठीक है तो अब ये ये चीज जो इंटरनेशनल डिमांड है दैट विल सफर फ्रॉम ग्लोबल स्लो डाउन जो ग्लोबल स्लो डाउन है उससे सफर करेगा और ये जो डोमेस्टिक डिमांड है वो इंटरनल लेवल पे जो बदलाव है अनएम्प्लॉयमेंट है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है ये सब चीजों से अफेक्ट होगा तो ये जो एक डर है है ना बिकॉज ऑफ जो हम रिकवरी सोच रहे हैं तो वी कैन से कि सोच रहे हैं वो ही के शेप्ड रिकवरी है के शेप्ड आगे डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है दूसरा फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ रहा है खर्चा ज्यादा हो रहा है है और uh, आप कह सकते हैं कमाई कम हो रही है तो फिजिकल डेफिसिट की अगर कंडीशन अगर आती है तो वो भी एक सेंटिमेंट को अफेक्ट आपका करता है अब देखो वीन टॉक अबाउट द के शेप्ड के शेप कैसा होता है ऐसे तो यहाँ पे जैसे ये कहा जाता है कि जैसे हम जिस रिकवरी की बात करते हैं दैट इज के शेप्ड के शेप्ड का मतलब होता है कुछ सेक्टर्स हैं जो ऊपर जा रहे हैं मतलब कुछ सेक्टर तो आपके इंप्रूव होंगे और कुछ सेक्टर डाउन जा रहे हैं तो अब ये देखना है हमें लगता है कि एक ओवरऑल ग्रो कर किस है आर सर्टेन सेक्टर्स जो है, वो ग्रो कर रहे हैं और देर आर सर्टेन सेक्टर जो डाउन जा रहे हैं ठीक है तो इट्स नॉट लाइक ऑल द सेक्टर्स आर ग्रोइंग तो इन्वेस्टमेंट अगर कोई करने की भी सोचेगा तो उन सेक्टर पर ही कर सकता है जो कि ऊपर जा रहा है इनमें कोई सोचेगा ही नहीं कि हम इनमें इन्वेस्टमेंट करें ठीक है तो बेसिकली अगर ये के शेप्ड की जगह कुछ ऐसी रिकवरी हो जिसमें सारे सेक्टर ऑलमोस्ट एक पॉजिटिव उसमें जा रहे हैं तो दैट तो विल बी हेल्पफुल ये आपको ध्यान में रखना तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इससे पहले लेट मी इन्फॉर्म यू नवंबर का जो करंट अफेयर का कोर्स है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड ऑफ नवंबर साढ़े ग्यारह बजे क्लास की टाइमिंग है अन डॉट कॉम में जाना है यूपीएससी सी एस सेलेक्ट करना है और कोड डाल देना है दैट इज एस पी एल आई वी कोड डाल के आप ज्वाइन कर सकते हो आज सिक्स पी को मिलते हैं लेट्स मीट एट सिक्स पी मैं लिंक आपसे शेयर कर दूंगा जूम सेशन आप आ, है हमारा तो वी विल डेरे इंटरेक्ट लाइव आपके जितने भी डाउट है वो भी और एक स्पेशल सरप्राइज भी आपके लिए है जब आप अन अकेडमी से जुड़ते हो तो आप मेरे कोर्सेज तो करंट अफेयर्स हैं और जो अपकमिंग कोर्सेज तो देख ही सकते हैं साथ में टॉप एजुकेटर के जितने भी कोर्सेज हैं तो उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं ऑप्शनल जितने भी आपको हैं वो भी आप कर सकते हैं हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी जितने भी है सॉरी एग्रीकल्चर uh, और सारे हैं तो आप मेरा भी एग्रीकल्चर का जो ऑप्शनल है वो भी रिकॉर्डिंग देख सकते हो तीन बैचेज ऑलरेडी हो चुके हैं वैसे पोलिटिकल साइंस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सारी चीज़ें अगर आप देखें तो आ, जितने भी एरियाज़ की अगर हम बात करें सारे ऑप्शनल उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं यू चैनल के अंदर कल मैंने एक टॉपिक आपके लिए क्रिएट किया है आज आपका आंसर राइटिंग का सेशन भी यहीं पे होगा क्वेश्चन मैं आपके लिए क्रिएट कर दूंगा ठीक है लाइव आंसर राइटिंग सेशन ऑलरेडी छः सेशन्स हो चुके हैं और इसमें और भी चीजें हैं वीडियोज में कवर किया जाता है जा आप जाके देख लेना यू का ही चैनल के अंदर दिया था इसका आंसर जो होगा that is D, पहला स्टेटमेंट गलत है स्टार्टिंग में आपको दिया था सो so, इसका पीडीएफ आई विल शेयर भी यू एस पी लाइव करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल ही आई होप लिए हेल्पफुल रहा होगा और इसका माइंड मैप भी आई विल शेयर सो थैंक यू एवरी थैंक यू सेशन को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर से करें थैंक यू